स्टार्ट कर रहे हम लोग हमारे थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा जो बेस है, आज का जो बेस है वो पूरा 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे। बुक्स वगैरह नहीं ओपन करने हैं। इको के लेक्चर में कैसे हवाल में आपको सिर्फ देखने का सर क्या क्या कर रहे हैं, जो जो समझा रहे हो समझने का 100% समझ में आ गया ना, एमसीक्यू हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तुमको प्रैक्टिकल देखने का रहेगा तो आज के लेक्चर के बाद में मैं कुछ क्वेश्चन रीड करूंगा, देखो आपको सारे आंसर आते रहेंगे। इट इज दैट सिंपल, जस्ट अटेंड द लेक्चर एंड गेट गुड मार्क्स। लेकिन लोग ये भी नहीं कर पाते क्योंकि डिटरमाइंड रहना पड़ता है ना, कोई चीज आज कर रहे एक दो दिन कर रहे बड़ा इजी रहता है, लेकिन उसको सालों साल या बहुत लंबे टाइम तक करना, उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए रहता है। और वो डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना इंटेंसली आप वो चीज अचीव करना चाहते हो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे टॉपिक नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों थर्ड, उसके पीछे रीजन है, फर्स्ट सेकेंड जो चैप्टर है वो 12th के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो अभी मैं वो सारे पढ़ाऊंगा ना, तुमको ऐसा लगेगा पूरा 12th का ही पका रहा है, कुछ अटेंड करके मतलब नहीं। तो कुछ नया वाली चीजें कर रहे हैं जो डिफिकल्ट है, शुरू शुरू में हम लोग आगे बढ़ते करें। तो हम लोग स्टार्ट करें थर्ड चैप्टर से, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। कॉस्ट बहुत लेट आएगा, बहुत देर तक हम लोग प्रोडक्शन के साथ ही खेलते रहेंगे, दो तीन थियरी है वो कवर कर लेंगे और अच्छे से समझने का काम कर। आज हम लोग कोई थियरी वेरी भी नहीं जा रहे, टॉपिक के नाम के साथ खिलवाड़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेरे को बताओ प्रोडक्शन ये वर्ड है, व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन। लेकिन अगेन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है, लेकिन मीनिंग अभी भी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है ना, व्हाट एग्जैक्टली वी डू। हाँ what is that production? You said production of goods. By producing मतलब what we are actually doing. Exactly. एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्शन क्या है ना, एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या आता है, रॉ मटीरियल्स, और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो रॉ मटीरियल्स क्या बन जाते हैं, फिनिश गुड्स। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन, what is production? Production is a process of converting रॉ मटीरियल्स इंटू फिनिश। कोई डिफिकल्टी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल क्या है, तो पीस ऑफ है ना, बराबर। इसके ऊपर कुछ तो प्रोसेस हुआ, उसका कटिंग हुआ, उसका स्टिचिंग हुआ, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुआ, बटन लगाया, फिर बाद में उसको आयनिंग हुआ, पैकिंग हुआ। जब ये सारे प्रोसेस खत्म हो गए तो वो जो कपड़ा था, पीस ऑफ क्लोथ जो है, वो भी कन्वर्ट होके क्या बन गया, अभी शर्ट बन गया, करेक्ट। तो हमने ये क्या किया, हमने बोला ना बनाना, किसी ने बोला प्रोडक्शन, तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट मतलब एक्चुअली व्हाट वी डिड, आई मीन वी कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो व्हाट इज प्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। कुछ रट्टा वट्टा मारना पड़ेगा ये, चलो आगे बढ़ते हम लोग। रॉ मटेरियल्स को हम क्या बोल सकते, इनपुट्स बोल सकते ना, देन फिनिश गुड हैज टू बी करेक्ट। तो माय नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोडक्शन इज क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला ट्रांसफर, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर, चेंज करना, क्या चेंज कर रहे, ट्रांसफरिंग फॉर्म किसका, इनपुट का, और चेंज करके क्या बना रहे हैं, उसका आउटपुट। बोलो कोई डाउट, बोलो। सेकंड डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट। सिंपल, कोई डिफिकल्टी, चलो। मतलब ये वाला चैप्टर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, डू यू नो माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने सबसे ज्यादा बार कौन से इकोनॉमिक्स का नाम सुना है, अल्फ्रेड मार्शल के आगे प्रोफेसर लगता है ना, थोड़ा इज्जत रखने का, क्या नाम है उसका, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, करेक्ट। तो मार्शल साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स के किंग थे, तो उनको हमने पूछा, सर हम लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट प्रोडक्शन, तो बोले पहले तुम तो बोलो है ना, बोले बड़े लोग को सवाल पूछ रहे, तुम बताओ व्हाट इज प्रोडक्शन। तो हम लोग ने भी दो डेफिनेशन सीख लिए थे, बोले सर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। तो ऐसा मुंह देख रहे बोल रहे, मतलब देख के लगता नहीं इतना इमेच्योर रहेंगे, मतलब इसमें है क्या, एकदम ईजी बताया तुमने। बोला अच्छा, मेरे पास और भी एक डेफिनेशन है,
तो बोले मैंने बोला इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट. तो हंसने लगे जोर जोर से, बोलते किया क्या तुमने यार, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रखा तुमने. बड़े लोग क्या कॉन्सेप्ट पे बात करते ना. बोले सर हार गए, आप ही बता दो क्या होता प्रोडक्शन. तो बोलते कि मेरे को एक बात बता सतीश यार, तुम लोग ये रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बना रहे, इनपुट को कन्वर्ट करके आउटपुट बना रहे, क्यों बना रहे? तुमने वुडन लॉक से टेबल क्यों बनाया? तुमने पीस ऑफ क्लोथ से शर्ट क्यों बनाया? हाँ, फॉर सेलिंग, लोग खरीदेंगे क्यों? सॉरी, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ओके, और कोई अच्छे तरीके, ऑफकोर्स टू गेट दी टू सेटिस्फाई अवर वॉन्ट्स है, और सिंपल, या टू गेट दी यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी. करेक्ट ना? बस तुमने ट्वेल्थ में यूटिलिटी पढ़ा था. What is utility? Want satisfying power of commodity. मेरे को बताओ वो किस में रहेगा, natural चीज में रहता है कि man-made चीज में रहता है? दोनों में रहेगा ना. जैसे कि इस रूम के अंदर बहुत सारे man-made चीज है ना, ये प्रोजेक्टर है, ये मार्कर है, ये शर्ट है, ये फैन है, ये एसी है, ये सब man-made चीज है. बोलो क्या इसमें want satisfy करने की power है? मेरी want है यार कि है ना ये रूम काफी बड़ा है तो मेरी आवाज सब जगह पहुंचनी चाहिए, तो ये मेरी वॉन्ट फुलफिल करने की पावर इस माइक में. तो मतलब ये मैनमेड चीज है, इसमें वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर है, मतलब इट हैज यूटिलिटी. करेक्ट. मेरा कलर थोड़ा सा डार्क है तो दिखना चाहिए मैं लोगों को, इसके लिए ये लोग की वॉन्ट थी कि सर दिखने चाहिए, इसके लिए लाइट लगा के रखे बहुत सारे. तो मेरे को बताओ ये ट्यूबलाइट में वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर है? ऑफकोर्स, मतलब इट हैज यूटिलिटी. क्लाइमेट बाहर काफी ज्यादा ठंडा है, 0 डिग्री है कि नहीं? तो अंदर वो नॉर्मल क्लाइमेट रखने के लिए वी हैव एसी, है ना? तो ये हमारी वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर रखता है, इट हैज यूटिलिटी. ये हो गया मैनमेड चीज है. करेक्ट. अब बाहर कुछ नेचुरल चीजें भी है विच इज नॉट मैनमेड, जैसे बाहर पत्थर है, मिट्टी है. बताओ पत्थर, इसमें मेरी वॉन्ट है किसी का कांच तोड़ देने का, तो बताओ क्या ये वॉन्ट सेटिस्फाई कर सकता है मेरी? नहीं कर सकता. अब मैं कोई भी गाड़ी लेके आओ तोड़ के बता सकता हूं मैं, बोले समझ रहे? तो मेरी वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर है कि नहीं इसमें? ऑफकोर्स इट हैज यूटिलिटी. चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब में ईट, मिट्टी, ये सारे नेचुरल चीजें इस्तेमाल होती कि नहीं होती? ऑफकोर्स होती है. जैसे वुड, ये भी तो नेचुरल है और इसका भी तो वॉन्ट सेटिस्फाइंग, इसमें भी तो वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर है, मतलब इट हैज यूटिलिटी. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मैनमेड और नेचुरल दोनों चीजों में क्या है, यूटिलिटी ऑलरेडी मौजूद है. तो हम फाइनल गुड्स क्यों बना रहे, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स क्यों बना रहे, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट क्यों कर रहे? टू डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी. यस ऑर नो? तो मार्शल साहब ने यही डेफिनेशन बोला. क्या बोलते हैं मार्शल साहब? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, प्रोडक्शन इज, देखो समझ में आता है क्या, प्रोडक्शन इज creation of utilities. Correct? किसी को डाउट इसके अंदर? हम क्या कर रहे हैं उसमें यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, ऐसी कुछ चीजें बना रहे जिससे हमको वॉन्ट सेटिस्फाई हो सके. क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है मार्शल साहब का डेफिनेशन? इसको ही बोलेगा ना प्रोडक्शन. अब मेरे को बताओ जैसे ही मार्शल साहब ने यह डेफिनेशन बोला, इट इज अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, तो अदर इकोनॉमिक्स लोगों ने ना इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिसिज्म कर दिया. बोले सर आपने ट्वेल्थ में हमको यूटिलिटी सिखाया, आप खुद भूल गए लग रहा है. बोले ऐसा क्या भूल गया मैं? बोलते आपने क्या सिखाया, एवरी कमोडिटी वेदर इट इज मैनमेड और नेचुरल, एवरी कमोडिटी हैज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर. करेक्ट. तो हाउ कैन यू क्रिएट यूटिलिटी अगेन व्हेन इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एवरी कमोडिटी? यस ऑर नो? एवरी कमोडिटी इटसेल्फ हैव यूटिलिटी, तो हाउ कैन यू से प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज? तो मार्शल साहब ने बोला ठीक है यार, थोड़ा सा अपन इसमें करेक्शन कर लेते. बोले इट इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटीज. कुछ समझ में आया? वही हो गया ना अभी. एडिशन ऑफ यूटिलिटी कैसे? बोले सर एक्सप्लेन करो. देखो ना, बोलते कि ना फॉर एग्जांपल पीस ऑफ क्लोथ रॉ मटेरियल है कि फाइनल गुड्स है? रॉ मटेरियल. क्या इसमें वॉन्ट सेटिस्फाई करने की पावर है? ऑफकोर्स है, इसको इसे भी लपेट के घूम सकते ना, जैसा गांधी जी घूमते थे कि नहीं? तो मेरे को तो इसमें वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है. लेकिन जब इस पीस ऑफ क्लोथ से हमने शर्ट बना लिया, तो अभी मेरे को बताओ सेम यूटिलिटी और हायर यूटिलिटी?
तो बाय प्रोडक्शन जब हमने रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया तो वो सेम यूटिलिटी दे रहा है कि हायर यूटिलिटी दे रहा है? बस, तो व्हाट इज प्रोडक्शन? जस्ट एडिंग द यूटिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और इनपुट. बोले समझ में आ रहा है? तो सिंपल उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोडक्शन इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटीज. कोई डाउट अभी तक? अच्छे से ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आया? दैट्स इट. ये तीनों है ना गुड्स से रिलेटेड है, समझ रहे? लेकिन इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या पढ़ते हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे. सर्विसेज को भी प्रोडक्शन बोलते हैं, मालूम? क्या बोला डेफिनेशन के अंदर, व्हाट इज प्रोडक्शन? बोले प्रोडक्शन इज क्रिएशन. क्या क्रिएट कर रहे हम लोग? क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या बोला? क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तुम लोग बताने का ट्राई करें कि मेरे को ये बता रहे अंदर से, वो सब बता दो अभी. व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? सॉरी, बाइंग एंड सेलिंग? नहीं, एग्जैक्टली. एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर मनी और मनी. करेक्ट, करेक्ट. ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें दो टाइप का एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी इज डन फॉर मनी और मनी इज वर्थ, या तो पैसे के लिए या पैसे की जैसे जिसकी में कुछ वैल्यू है, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, उसके लिए, या तो फिर इसके लिए किया रहेगा तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अदर देन मनी और मनी इज वर्थ किया है तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि सिंपल अभी यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्टिविटी है? नहीं है. हाँ, तो मेरे को बताओ ये एक्टिविटी में क्यों परफॉर्म कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं मैं? पैसे के लिए. तो मतलब तुमने मान लिया कि मैं पैसे के लिए पढ़ाता हूं? हाँ, नहीं मतलब सही है, पैसे के लिए भी पढ़ाता हूं मैं. तो बताओ ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं इसके बदले मेरे को पैसे मिलने वाले, करेक्ट? तो ये क्या बन गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया, करेक्ट? लेकिन यहां से मैं घर पे जब जाता हूं तो लोगों को मालूम है ये प्रोफेसर है, फुगर में पढ़ा देगा अपने बच्चे को, तो ऐसी छोटे छोटे डाउट लेके आ रहे, अरे इसको वो नहीं आ रहा जरा इसको बता दो, इसको ये नहीं आ रहा जरा बता दो, तो वो लोग को भी पढ़ाते रहता हूं मैं. बोलो क्या इसके बदले में पैसे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सिर्फ बस दुआएं मिलती रहती बस, है ना? तो ये क्या बन गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बोलो समझ में, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक. जैसे कि ना फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले कोई सिंगर है, अभी गरबा पंडाल में जाके वो गाना गा रहा है, उसके लिए पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा. तो वो क्या बन गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो घर पे बाथरूम में गाना गाता है, उसको पैसा मिलेगा क्या? नहीं ना. वो क्या बन गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. गाते रहते ना ऐसा, बच्चे सोते नहीं है तो बीबी बोलती है गाना गा के बताओ. सिंगल बेचारा अब यही काम रहेगा हम ना, वैसा है. तो बेसिकली वो क्या बन गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया, ठीक है? तो व्हाट इज प्रोडक्शन? इट इज अ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज व्हाट, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. कुछ समझ रहे हैं? कोई हलवाई रहेगा, वो दुकान में मिठाई बनाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर पे आके बना रहा है तो वो क्या बन गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट? तो क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और जनरली इकोनॉमिक्स है ना, मेन कंटेंट उतना ही रहता है और उसको वो लोग आगे थोड़ा क्या एडिशन करते रहते हैं. तो ये लोग ने भी एडिशन क्या किए, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डिरेक्टेड टूवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. ऐसा कुछ खास मीनिंग नहीं निकला इससे, क्योंकि हर एक्टिविटी बेसिकली ह्यूमन वॉन्ट सेटिस्फाई करने के लिए होती है. लेकिन क्या है ना, इकोनॉमिक्स से पढ़ लेने का वैसा. बोलो समझ में अच्छे से. ये चार डेफिनेशन है प्रोडक्शन का. अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर के नाम के ऊपर ये चार डेफिनेशन के ऊपर इतने सारे एमसीक्यूज पॉसिबल है ना, तुमको मैं बाद में लेक्चर के एंड में बता दूंगा कितने सारे जो आंसर है वो ये चार डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, करेक्ट? समझ में अच्छे से ईच एंड एवरी वर्ड? क्यों वाले में? क्योंकि तुम लोग अटेंड अभी क्या नया नया ना, सब लोग ध्यान दे रहे कुछ समझ रहे हैं. तो मतलब क्रेडिट भी तुम्हारा ही है, ब्लेम भी तुम्हारे तक ही रखना. बोले समझ में अच्छे से, फटाफट कॉपी कर लो क्योंकि मैं इसके ऊपर पूछ रहा हूं किसी को भी. अच्छा ऐसे लिखोगे कि पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखा के तू सेंटेंस, जिसको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, जिसको सेंटेंस भी लिखना है वैसे लिखो, और जिसको दोनों लिखना है दोनों लिखो. मैं अपना काम करते जा रहा हूं. व्हाट इज प्रोडक्शन? तो इट इज अ प्रोसेस. पूरा लिख दो यार.
तो चार डेफिनेशन था, पहला कौन सा था फटाफट और जोर की आवाज में बोलो यार, बोलो पहला क्या था? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड. दूसरा, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट. थर्ड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोडक्शन इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. और लास्ट वाला क्या था? प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डिरेक्टेड टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट. ओके, तो हमने प्रोडक्शन क्या होता है वो सीख लिया. प्रोडक्शन किससे होता है? रॉ मटेरियल बोल दो, उसको इनपुट बोल दो, या उसको तुम रिसोर्सेज बोल दो. करेक्ट. इसी बात पे एक सवाल याद आता है मेरे को, बताओ ये जो वर्ल्ड है इसमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कितने थिंग्स या हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड? ऑप्शंस, तुम लोग एमसीक्यू पैटर्न है ना, ऑप्शंस ले लो. क्वेश्चन वन मोर टाइम, हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड? करेक्ट. आई मीन यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ प्लेन और बीन और वट एवर, हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड? ऑप्शन टू A 2, B 3, C 4 and D, क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट. अच्छा, कितने को लगता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट? रेज योर हैंड. पूरा हैव सम कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेट्स, यू ऑल आर रॉन्ग एक्चुअली. मतलब मेरी माँ क्या बोलती, जब क्वेश्चन इजी रहेगा ना तो उसको दो बार पढ़ लेने का, कभी भी याद रखना एमसीक्यू पैटर्न है. जब बहुत इजी लगेगा ना तो दो बार पढ़ लेने का. क्यों? बहुत सारे जन के दिमाग में आंसर फोर था, लेकिन जैसे ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन अ प्रोडक्ट आ गया, आपका कॉन्सेप्ट गया तेल लगाने, आपने इजी वाले पे लगा दिया ना, वैसा है. तो ये जो वर्ल्ड है इसमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? फोर. कौन से चार चीजें है वो? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये सबने सिखाया है ट्वेल्थ में, फिर भी डिपेंडिंग अपॉन अ प्रोडक्ट भी है ना, ऐसा होता है एमसीक्यू पैटर्न. करेक्ट. तो हम लोग यही चारों चीजें और इसके फीचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वो फीचर्स पढ़ लेते हैं. ट्वेल्थ का पढ़ा हुआ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा नया सीखने मिलेगा, थोड़ा मेरे को सीखने मिलेगा, तुम लोग से कुछ नया सीखे रहेंगे कि नहीं. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड. ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में व्हाट इज लैंड? इट्स अ लोकेशन के और सरफेस ऑफ द अर्थ. वेरी नाइस. यहां से ना नीचे बोरीली में ना शाम को बहुत भीड़ होती है, जब तुम लोगों की क्लास छूटेगा ना तब देखना. उधर कोई भी इंसान को, ऑर्डिनरी इंसान को, सब पकड़ के पूछ लेना, बता लैंड क्या होता है, तो क्या बताएगा? यही बताएगा, लोकेशन, सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑर्डिनरी लैंग्वेज है ना. लेकिन इकोनॉमिक्स में ना लैंड मतलब थोड़ा सा डीप होता है. क्या बोलते वाले में इकोनॉमिक्स के अंदर, व्हाट इज लैंड? तो लैंड रिफर्स टू all the natural resources which are freely available in the nature, on the earth, below the earth, above the earth. Aisa seekhe sabne. So simple, what is land? Land refers to all the natural resources which are freely available in the nature, on the earth, below the earth, above the earth. So on the earth, kya free gift of nature hai bhai? To surface of the earth, land. फिर उसके बाद ट्रीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब लैंड है इकोनॉमिक्स. बिलो द अर्थ क्या क्या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? मिनरल्स है, माइंस है, ये सब भी लैंड है इन इकोनॉमिक्स. अबो द अर्थ क्या क्या मिलता है? एयर, सनशाइन, ये सबको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड इन इकोनॉमिक्स. अजीब है ना लैंग्वेज, एकदम ईजी है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. जो भी नेचुरल रिसोर्स दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड. बोलो क्लियर. तो हमारे हिसाब से सी भी लैंड है, रिवर्स भी लैंड है, माउंटेन्स भी लैंड है, ट्रीज भी लैंड है, सब लैंड है. बोलो समझ में? अब किसी को ऐसा लगेगा, भाई सर कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में थोड़ी ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है. अब बेंच बनाने में कौन सा ओशन वगैरह इस्तेमाल होता है कि नहीं? थोड़ा उल्टा है. कोई भी चीज ऐसा बताओ जिसमें कोई भी नेचुरल एलिमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया. कोई ऐसा चीज नजर आएगा? कोई भी नहीं ऐसा चीज. हर एक चीज में कुछ ना कुछ नेचुरल एलिमेंट यूज होता ही है, चाहे वो वाटर क्यों ना हो, चाहे वो सनशाइन क्यों ना हो, चाहे वो एयर क्यों ना हो, हर चीज में लगता ही है. और वो जो भी नेचुरल एलिमेंट यूज हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो पहला डेफिनेशन समझ में. व्हाट इज लैंड? लैंड रिफर्स टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्रीली अवेलेबल इन द नेचर, ऑन द अर्थ, बिलो द अर्थ, अबव द अर्थ. करेक्ट. ये
मीनिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने मीनिंग देख लिया। कभी कभी एमसीक्यू कैसे आता है ना फाउंडेशन के एग्जाम में, आपको डेफिनेशन दिया जाएगा और उसका ऑथर ढूंढना पड़ता है। तो एक लाइन के ऊपर एक अगेन साहब का डेफिनेशन है सुनने का, तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल ऐसा बोलते वो लोग, एक एक करके देखते। बाय लैंड इज मेंट ऑल मटेरियल एंड फोर्सेस। अभी यहां पे आगे मटेरियल मतलब क्या, टैंजिबल थिंग्स, फोर्सेस मतलब इनटैंजिबल थिंग्स, और ऑल बोल दिया मतलब नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। ऑल मटेरियल एंड फोर्सेस आगे ऐसा बोल रहे विच नेचर गिव्स फ्रीली। जब ये वर्ड बोल दिया तो मेरे को बताओ मैन मेड कट हो गया? नहीं, झूठ बोल रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? व्हाट इज लैंड? बाय लैंड इज मेंट ऑल मटेरियल एंड फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली। तो ये मैनमेड कैसे आएगा उसके अंदर ना? तो ये अभी तक जो भी लिखा उसका मतलब क्या है? ऑल द नेचुरल मटेरियल एंड फोर्सेस। बोलो समझ में? क्यों दिया नेचर ने फ्री में? तो फॉर मैन्स एड, एड मतलब हेल्प सपोर्ट। हाँ नहीं मालूम रहेगा तो लिख लेने के बाद में। फॉर मैन्स एड कहां पे अवेलेबल है? इन लैंड वॉटर एयर एंड हीट, मतलब वही ऑन द अर्थ बिलो द अर्थ अबो द। यहां पे लैंड मतलब ये पूरा मीनिंग नहीं है, यहां पे वो अपना नॉर्मल वाला सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ समझ रहे? फिर वॉटर मतलब बेसिकली बिलो बिलो द अर्थ हो गया, एयर हीट वगैरह सब अबो द अर्थ में आ गए। बोलो समझ में? तो बेसिकली मार्शल साहब ने भी वही बात बताया जो हमने पहले इजी वर्ड्स में पढ़ा था, सिर्फ ये उनका लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि कभी एमसीक्यू वैसा आ गया तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। बोलो समझ में? तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल व्हाट इज लैंड? बाय लैंड इज मेंट ऑल मटेरियल एंड फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैन्स एड इन लैंड वॉटर एयर लाइट एंड हीट। ऐसा कौन बोलता है? तो प्रोफेसर, फिर इज्जत से बात करो, मेरे फेवरेट सर है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, करेक्ट। तो ये हो गया लैंड का डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद फीचर पढ़ने का कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं? फीचर्स पढ़ लेते, चलो वेरी नाइस। हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ लैंड। फीचर्स समझना है आपको, क्योंकि फीचर्स के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे? तो यू डोंट नीड टू रट्टाफाई दी थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स। ऐसा बोला है तो क्वेश्चन का मतलब, और सही में फाउंडेशन में बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं हो सीपीडी वगैरह में कैसे सिर्फ बुक्स के हिसाब से रहते हैं, फाउंडेशन में थोड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेल। तो भले ही फीचर्स आपने पढ़े, लेकिन पहले जब पढ़ रहे थे आपका पर्पज क्या था? सिर्फ एग्जाम में उसको याद रख के लिखना है बस। अभी आपको क्या हो, समझना है। तो एग्जाम्पल्स वगैरह आपको कोई चाहिए रहेगा तो पूछना, सर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे दो तो आई कैन गिव, करेक्ट। तो सबसे पहला जो फीचर, इट इज अ नेचुरल फैक्टर, क्या एक्सप्लेन करने का जरूरत है? व्हेन आई से एनीथिंग इज नेचुरल फैक्टर मतलब क्रिएटेड बाय नेचर, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकंड, सोशल कॉस्ट, सुना है कभी सोशल कॉस्ट के बारे में? व्हाट इज सोशल कॉस्ट? सवाल मतलब कुछ भी रहे आंसर यही रहता है ना, ऐसे देखते रहते क्या देखते हाजरी है। बोलो व्हाट इज सोशल कॉस्ट? सुना है, देखो हर चीज का ना आंसर होता है हाँ सर हमको पता है, नहीं पता है, ऐसा देखते रहने मतलब क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज सोशल कॉस्ट? सुना है कभी सोशल कॉस्ट? छोड़ जान दो, मैं बता दूं। सोशल कॉस्ट मतलब क्या होता है? ऑल दी सैक्रिफाइसेस और कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सोसाइटी, करेक्ट। क्या बोला? व्हाट इज सोशल कॉस्ट? ऑल दी सैक्रिफाइसेस और कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सोसाइटी। तो हर चीज के प्रोडक्शन में सोसाइटी का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बना है, बेंच है एक्चुअली, ऐसा समझो टेबल है वो, करेक्ट। ये टेबल के मैन्युफैक्चरिंग में सोसाइटी का कुछ भी नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? सोसाइटी का कुछ नुकसान हुआ है? क्या हुआ है?
ट्री कटिंग हुआ ना इसकी वुड के लिए, तो सैक्रिफाइस हुआ कि नहीं हुआ? ये टेबल बनाने के प्रोसेस में जो लेबर ने 4 आवर स्पेंड किया था अपना, समझ रहे हो, 4 आवर स्पेंड किया, वो 4 आवर्स वो क्या कर सकता, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता था, फ्रेंड्स फैमिली पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो वो सैक्रिफाइस करके उसने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं प्रोडक्शन करूंगा, कुछ समझ रहे? तो इन दी प्रोडक्शन ही सैक्रिफाइसिंग सोशल एलिमेंट, तो ये सब क्या है, सैक्रिफाइसेस मेड बाय द सोसाइटी एंड इट इन्वॉल्व्स, एंड इसको क्या बोला जाता है, सोशल कॉज, बोलो समझ रहे? हाँ तो बोलो, इसको मनी के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन देर इज सम सोशल कॉज, बोलो समझा? अब मेरे को बताओ लैंड के प्रोडक्शन में इज देर एनी सोशल इन्वॉल्व, यस और नो? यस, कैसे यस? पहली बोल दिया ना इट्स अ नेचुरल, तो उसमें सोसाइटी ने क्या किया? अरे लैंड के प्रोडक्शन में नेचुरल एलिमेंट जो है उसके प्रोडक्शन में सोसाइटी का क्या सैक्रिफाइस है? जमीन बना उसमें सोसाइटी ने क्या किया? ट्रीज बने उसमें सोसाइटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आया? कुछ भी नहीं आया ना। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज का देर इज जीरो सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंड, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा तो कोई पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे, नेचुरल एलिमेंट्स रहेंगे तो वहां पे क्या है, जीरो सोशल कॉस्ट, कोई भी मैनमेड चीज रहेगा तो सोशल कॉस्ट इज इन्वॉल्व, बोलो समझ में? कोई डाउट? थर्ड पॉइंट पे जाए, वेरी नाइस। थर्ड जो पॉइंट है सप्लाई, सुना है कभी सप्लाई के बारे में? चैप्टर था तुमको, व्हाट इज सप्लाई? चलो थैंक यू वेरी मच। सपोज मैं एक सेलर है, मेरे पास 10,000 जींस है मेरे पास बेचने के लिए, तो ये क्या है मेरा स्टॉक, अमाउंट ऑफ कमोडिटीज अवेलेबल विद द सेलर इज कॉल्ड अ स्टॉक। इसमें से अच्छा प्राइस मिला तो मैं इसमें से 3,000 जींस जो है वो रेडी टू सेल मैंने रखा है, तो वॉट एवर अमाउंट आई एम रेडी टू सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड एज वेरी नाइस। अभी समझा सप्लाई? अभी डिफाइन कर सकते व्हाट इज सप्लाई, अमाउंट ऑफ कमोडिटीज अ सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट सर्टन प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, ऐसे पढ़े थे। अब इसको हम लोग कनेक्ट करें लैंड के कॉन्सेप्ट से, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये बोरीवली का अवेलेबल लैंड है, कल को इसका प्राइस एकदम ज्यादा हो रहा है यार, तो भगवान क्या करेगा, विरार विरार से जमीन लेके आके बोरीवली में ऐड करते जाएगा, पालघर का निकालेगा फिर वापिस बोरीवली में ऐड करेगा, ऐसा होएगा क्या? तो सप्लाई बढ़ सकता है क्या लैंड का? नहीं बढ़ सकता है ना। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ द लैंड के बारे में, तो सप्लाई ऑफ द लैंड इज फिक्स्ड, यू कैन से इट इज लिमिटेड, इनइलास्टिक। क्या बोला? परफेक्टली इन, समझा? परफेक्टली इलास्टिक मतलब कैन बी इंक्रीज कैन बी डिक्रीज, इन इलास्टिक मतलब कैन नॉट बी इंक्रीज कैन नॉट बी डिक्रीज, और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब जीरो इलास्टिसिटी है उसका, मतलब बिल्कुल भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता, बोलो समझ में? सप्लाई ऑफ द लैंड के बारे में, दैट्स इट। फिर उसके बाद में फोर्थ बात करते हैं हम लोग मोबिलिटी का, व्हाट यू मीन बाय मोबिलिटी, मूवेबिलिटी, बेसिकली एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब लैंड के मोबिलिटी के बारे में क्या जानते? हाँ, इमोबाइल, करेक्ट है ना? ऐसा कभी होएगा कि कभी मान ले बोरीवली है, एक दिन ट्रेन आई, बोरीवली गायब है, बोले किधर गया, विरार गया घूमने के लिए, है ना? तो बोलते हैं कि लैंड जो है ज्योग्राफिकली इट इज इमोबाइल, लेकिन मैंने ऐसा बोलते वक्त देखा है लोगों को, वो लोग ऐसा बोलते हैं मैंने मेरा लैंड ट्रांसफर कर दिया मेरे भाई के नाम पे, कोई मिस्टर शर्मा को मैंने मेरा लैंड ट्रांसफर कर दिया, मतलब क्या ऐसा लैंड उसके हाथ में दे दिया ऐसा? नहीं ना, तो क्या हुआ रहेगा, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ रहेगा, तो लैंड जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी है उसका, लेकिन ज्योग्राफिकली इट इज इन मोबाइल, लेकिन क्या बोला गया, ऑक्यूपेशनल इट इज मोबाइल, याद रहेगा ये? तो लैंड का मोबिलिटी के बारे में दो एंगल आते हैं, एक ज्योग्राफिकली इट इज इमोबाइल, ऑक्यूपेशनल इट इज मोबाइल। व्हाट यू मीन बाय ऑक्यूपेशनली मोबाइल, तो इसके दो मीनिंग है, नंबर इसका ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, मतलब आई कैन ट्रांसफर माय लैंड फ्रॉम आई कैन ट्रांसफर माय लैंड टू एनीवन, क्या बोल रहा है, एनीबॉडीज नेम, यस और नो? तो लैंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और दूसरा उसका यूज जो है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे ये पर्टिकुलर गाला है, अभी यहां पे क्या चल रहा है, टीचिंग एक्टिविटी चल रहा है,
तो इसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये बेसिकली क्या ऑक्यूपेशनली यूज हो रहा है, तो टीचिंग के लिए। कल को मान लो इधर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या जो भी है, तो मेरे को बताओ यही सेम चीज पे जिम भी आ सकता है ना, फिर जिम जाके यहाँ पे बुटीक भी आ सकता है, फिर वो जाके यहाँ पे और भी कुछ आ सकता है। तो लैंड का यूज कैन बी चेंज, यस और नो? इसलिए क्या बोला गया, ऑक्यूपेशनल इट इज मोबाइल। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट ऐसा बोलते हैं, लैंड इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सुना है पैसिव फैक्टर के बारे में? व्हाट इज पैसिव फैक्टर? अपने आप में लैंड है ना अनप्रोडक्टिव है, लेकिन ये प्रोडक्टिव कब बनता है? जब लेबर आके इसके ऊपर काम करता है। एक रूम के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज डाल दिए, अपने आप प्रोडक्शन चालू रहेगा क्या? नहीं। लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इट्स ओन, इट कम्स प्रोडक्टिव ओनली आफ्टर द यूज ऑफ लेबर। इसके लिए लैंड इज अ पैसिव फैक्टर एंड लेबर इज एक्टिव फैक्टर। बोलो समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक है ना बच्चा एकदम अच्छी बैठा है, तो उसको ना कुछ आ रहा जा रहा नहीं, कोई मतलब बोलते ना डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई ऐसा एम नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर उसका दोस्त आया जो एकदम एक्टिव था और वो एकदम अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने गोल्स के ऊपर बड़ा डिटरमाइंड था, तो वो जिस तरीके से काम कर रहा था वो देख के ये जो पैसिव बंदा था वो भी एक्टिव हो गया। तो है ना, इसको एक्टिव बोलेंगे वो पैसिव बोलेंगे। और ये कभी काम करता है सिर्फ चमाट पड़ने के बाद, फिर है ना वैसा चल पड़ फाट, फिर एक्टिव हो जाता है वैसा। तो ये बात हो जाती। तो लैंड के बारे में इस तरीके का चीज है कि लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, इट बिकम्स एक्टिव ओनली या प्रोडक्टिव ओनली आफ्टर द यूज ऑफ लेबर। बोले क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हम लोग। सिक्स पॉइंट ऐसा है, लैंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या है? हेट्रोजीनियस फैक्टर मतलब बेसिकली अपोजिट ऑफ होमोजीनियस। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? सेम बोलोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेम एंड सिमिलर, ऐसा दोनों वर्ड आना चाहिए। क्योंकि देखो ना, डिफ्रेंशिएटेड मतलब क्या होता है? सिमिलर बट नॉट सेम, है ना? तो इसके लिए थोड़ा इकोनॉमिक्स है ना, परफेक्ट वर्ड यूज होना चाहिए। या सिंपल क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीनिंग ऐसा, लेकिन होमोजीनियस का अगर किसी ने पूछा तो एकदम परफेक्ट क्या है जिसमें आपका मार्क्स कभी नहीं जाएगा, दोनों बोलने का सेम एंड सिमिलर, करेक्ट? अभी लैंड का बात करें, लैंड होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस है। मतलब क्या, मेरे को बताओ ना, लैंड इन महाराष्ट्र, लैंड इन पंजाब, लैंड इन तमिलनाडु, एग्जैक्टली उनका फर्टिलिटी सेम रहेगा ना? अच्छा, डिफरेंट रहेगा सॉइल, वो भी डिफरेंट रहेगा। ओके, क्रॉप्स जो सपोर्ट करते तरह तरह के, वो भी डिफरेंट रहेगा। मतलब कुछ तो सेम रहेगा क्या? कुछ सेम नहीं रहे। तो एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इज डिफरेंट बाय इट्स फर्टिलिटी, बाय इट्स प्रोडक्टिविटी, बाय द क्रॉप्स सपोर्टिंग। कुछ समझ रहे? हर एंगल से डिफरेंट होता है। अरे फॉरगेट अबाउट दी स्टेट्स यार, महाराष्ट्र के अंदर मेरे को बताओ जितने भी लैंड है, क्या वो एग्जैक्टली सेम रहेगा क्या? कोई ज्यादा फर्टाइल, कोई कम फर्टाइल, कहीं पे शुगर केन को सपोर्ट करता है, कहीं पे राइस सपोर्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो एवरी पीस ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय देयर फर्टिलिटी, बाय देयर प्रोडक्टिविटी। इसके लिए क्या बोला गया, लैंड इज हेट्रोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट? फिर उसके बाद में बोला गया, लैंड इज अ परमानेंट फैक्टर। अगेन इसको अपोजिट वगैरह करके लेबर वगैरह में आएगा, पेरिशेबल वगैरह बन के आएगा। तो इसको समझना जरूरी है। परमानेंट फैक्टर मतलब क्या है? इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। एक वर्ड में बोलेंगे तो इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब इट के नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी, है ना? मैंने ऐसा सुना है कि है ना, अपने यहां पे ये जो अर्थ है उस पर बहुत पहले डायनासोर्स का राज चलता था, है ना? बहुत सारे डायनासोर होते थे, बराबर? कुछ कुछ अपने लेक्चर में भी रहेंगे अभी थोड़े दिन के बाद ना, ऐसे चालू रहा। तो बेसिकली डायनासोर्स थे, वो लोग चले गए। अच्छा, जब डायनासोर थे तभी वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज थे क्या? ट्रीज वगैरह अच्छा थे, थोड़े टाइम पे भी लैंड था। फिर डायनासोर चले गए, अभी इंसान आ गए, तो अभी होते नेचुरल रिसोर्सेज? ऑफकोर्स होते। जब बोलते कि अभी इंसान भी चले जाएंगे, फिर यहाँ पे एलियंस लोग आएंगे, है कि नहीं? जादू जादू करते रहेंगे, तो मेरे को बताओ वो लोग रहेंगे तो भी नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे क्या? ऑफकोर्स रहेंगे। बोले तो तात्पर्य क्या, लैंड कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसके लिए क्या बोला, लैंड इज अ परमानेंट फैक्टर। ऐसा एग्जाम्पल मत लिखना,
एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनीवन, करेक्ट। फिर उसके बाद में 8 पॉइंट ऐसा आता है, कहते हैं साइट वैल्यू, व्हाट इज साइट वैल्यू, वैल्यू ऑफ दैट लैंड, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इट्स, कौन सी चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। सोचो ना, एक लैंड जो है वो मुंबई के बाजू में और एक लैंड कोई रूरल एरिया के बाजू में, तो किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, ऑफ कोर्स मुंबई। तो लैंड नियर द अर्बन एरिया हैव मोर प्राइस एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ द लैंड डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। कोई कोई बुक ने तो एकदम आगे जाके ऐसा भी बोल दिया ना, बोले लैंड डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। हाँ, लेकिन अपन इतना एक्सट्रीम बातें नहीं करते, छोटे लोग हम लोग। फिर आगे बात करते हैं, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर मतलब इट इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे बेंच बना रहे तो उसका मेन एलिमेंट क्या है, वुड, कुछ समझ रहे। कार बना रहे तो मेन एलिमेंट क्या है, आयरन, है कि नहीं। तो हर चीज का जो प्राइमरीली रिक्वायर्ड थिंग है वो क्या है, तो लैंड है। इसके लिए लैंड को क्या बोला गया, इट्स अ प्राइमरी फैक्टर। और लास्ट में आता है, लैंड इज सब्जेक्ट टू, मैं इसे लिख लेता हूं, सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रेट। मतलब क्या है, अगर कोई लैंड के ऊपर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो पहले साल मान ले उसमें से 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, ये फार्म में कितना हो गया, 100 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। दूसरे साल कितना हो गया, 150 हो गया। तीसरे साल कितना हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 190 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है, तो 210 हो रहा है। कुछ समझ रहे, बताओ प्रोडक्शन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर तुम कंपेयर करेंगे तो पहले कितना बढ़ा, 50 से, फिर कितने से बढ़ा, 40 से, फिर हाँ 20 से बढ़ रहा है, वेरी नाइस। तो मेरे को तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसा बढ़ रहा है, एट डिमिनिशिंग रेट। वो तुम्हारा कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ डीएमयू, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लैंड ऑल्सो, समझ रहे। इसके लिए लैंड इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न। सारे फीचर समझ में है, कोई डाउट।